योर चैनल यू नंबर वन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताऊंगा टॉलीवुड का कॉमेडी किंग, जिनका एटीट्यूड से ही लोग हंसती है, बोलना भी नहीं पड़ती है, जिसके बारे में आप साउथ इंडियन नहीं पूरी इंडियन जानती है और पूरे इंडियन के साथ ही साथ विदेशों में भी बहुत चर्चित है। पता है इस कॉमेडी किंग का नाम? इन कॉमेडी किंग का नाम है ब्रह्मानंदन। आज इनका ही जीवन कथा या लाइफ स्टोरी, और जिसे आप लोग कहते हैं बायोग्राफी, मतलब कैसे तेलुगु इंडस्ट्री में आया और क्या क्या रिकॉर्ड बनाया और अब इनका लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब बताऊंगा आज। सो लेट्स गो। भारतीय फिल्म अभिनेता और कॉमेडी किंग, जिन्होंने तेलुगु फिल्म के साथ ही साथ हिंदी, तमिल और कन्नड़ा फिल्म में भी काम कर चुके हैं, जिनका पूरा नाम है ब्रह्मानंदन कन्यागंटी। कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदन के जन्म 1 फरवरी 1956 में आंध्र प्रदेश के सतानापल्ली जिले में मुपल्ला गांव में हुआ था, जिनका पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा और माता का नाम है नागालिंगेश्वरी। सर ब्रह्मानंदन ने लक्ष्मी कन्यागंटी के साथ शादी की और उनका दो चिल्ड्रन है, एक का नाम है राजा गौतमा और दूसरे का नाम है सिद्धार्थ। उनका परिवार में आर्थिक अवस्था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका फैमिली में सिर्फ वो ओनली वन चाइल्ड था जिन्होंने एमए पास किया, और पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करने के बाद उनका पेट चलाने के लिए एक कॉलेज में एक तेलुगु लेक्चरर के रूप में नौकरी करने लगी, और छोटा से ही कॉमेडी करने वाला ब्रह्मानंदन एज ए टीचर कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स के सामने मिमिक्री करके उन लोगों को हंसाते थे। ऐसे एक्टिंग करते करते एक दफा उन्होंने इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में बेस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट का प्राइज हासिल कर ली, और तब से ही एक्टिंग के ऊपर रुचि भी बढ़ गई। और इसी दौरान जाने माने तेलुगु फिल्म का डायरेक्टर जयंत आला ने ब्रह्मानंदन को मोहबाई नाम के ड्रामा में एक्टिंग करते हुए पहली बार देखी। उनकी एक्टिंग देखकर जयंत आला इतना इम्प्रेस हुआ कि उनको जयंत बाबाई नाम की एक फिल्म में ब्रह्मानंदन को एक छोटा सा रोल दे दिया था, और इसी फिल्म से ब्रह्मानंदन का फिल्म करियर भी शुरू हो गई थी। इसके बाद जयंत आला ने दूसरी फिल्म आहा न पिल्ला नौता में भी एक रोल दे दी, और ये फिल्म उनका डेब्यू फिल्म सब लोग बताते हैं, क्योंकि इस फिल्म का काम से लोगों ने बहुत इम्प्रेस हुआ और लोगों ने उनको बहुत पसंद भी की, और इस फिल्म से वो तेलुगु फिल्म में मशहूर हो गई। और अब तक ब्रह्मानंद ने 1000 फिल्म से भी ज्यादा फिल्म कर ली, जो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, और ऐसे बन गया टीचर से कॉमेडी किंग, और ऐसे सबसे ज्यादा फिल्म करने वाला जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपने नाम को भी लिख दी। आज उनके पास हिट फिल्म का इतना बड़ा झोली है, जो आप लोगों को अगर मैं बताने जाऊँ तो मुझे और एक घंटे के एक्स्ट्रा वीडियो बनाना होगा, तो आप सोच ही सकते हैं उनका पास कितना हिट फिल्म है। उन्होंने जनवरी 2009 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिली, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा भी इनके पास फिल्म फेयर अवार्ड और ना जाने कितने अवार्ड है। आज इन्होंने एक फिल्म के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया चार्ज करती है, जो इनका पॉपुलरिटी को भी दर्शाता है। आज उनका होम टाउन है हैदराबाद, जो एक आंध्र प्रदेश में एक गाँव में एक पुअर फैमिली में था। उनका पास आज इतना करोड़ रुपया है जो आप सोच भी नहीं सकते, और उनके पास कार और बाइक भी ढेर सारे हैं, और ऐसे ही बन गई एक छोटा सा फैमिली का बच्चा नंबर वन, जो आप भी बन सकते हैं। और इस बायोग्राफी से आपको पता चल गया होगा, अगर आपको देखने में अच्छा और हाइट नहीं है तो भी आप नंबर वन बन सकते हैं। ब्रह्मानंदन की बायोग्राफी एक प्रूफ है कि कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने ना भूले, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।